बस माता की जय बोलो की है। चलिए लाभ ना लगाना और पीछे भारत माता की जय। भारत माता की जय। आवाज नहीं आ रही। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हैप्पी टीचर्स डे। 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 दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज 5th of September है, सितंबर है, टीचर्स डे के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। तो आज बरवाल एथलीट्स क्लब ने यूनानिमसली ये डिसीजन लिया कि आज हम 5 सितंबर को 11 किलोमीटर से एक रन डेडिकेट करेंगे टुवर्ड्स द नेशन एंड टुवर्ड्स दिस कंट्री। तो जैसे कि हम सबको पता है कि एस राधाकृष्णन जो कि भारत के सेकेंड वाइस प्रेजिडेंट थे, सॉरी पहले वाइस प्रेजिडेंट थे और सेकेंड प्रेजिडेंट थे, उन्होंने देश को बहुत ही एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करके दी है कि 5 सितंबर को उनके बर्थडे के बजाय, उनके जन्मदिन के बजाय इसको टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए। क्योंकि टीचर्स और अध्यापक गुरु एक ऐसी शख्सियत है जो कि एक अंधेरे वाले जीवन को एक रोशनी की तरफ लेके जाती है। आज की डेट में अगर हम लोग यहां पे खड़े हैं तो अपने गुरुओं की वजह से खड़े हैं, अपने अध्यापकों की वजह से खड़े हैं, अपने प्रोफेसर की वजह से खड़े हैं, वो अध्यापक जिन्होंने हमको बिल्कुल अच्छी तरह से गाइडलाइंस दी हैं और उनकी वजह से आज हम यहां पे पहुंचे हैं। तो मैं सभी समाज से, सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि अपने अध्यापकों की, अपने गुरुओं की बढ़ चढ़कर उनकी इज्जत करें, उनका मान करें, उनके नाम को रोशन करें और अच्छे कामों के प्रति अपने आप को डेडिकेट करें और फिजिकल फिटनेस को अपना मेन एम रखें, मेन मोटो रखें, खाली बातें ना करें, समाज में ग्राउंड लेवल पे उतर के, ग्रास रूट लेवल पे उतर के काम कर लें समाज के लिए और अपने गुरुओं को हमेशा अपने दिमाग में रखने, अपने जहन में रखें। अपने कार्यक्रम के बारे में बताना जो आज का कार्यक्रम है आपका। जी ये हमारा एक क्रॉस कंट्री है जो ग्रोवाल एथलीट्स क्लब ने एडजॉइनली विद कठुआ, जो हमारा सेकंड हब है, जो हमारा सेकंड ग्रुप है कठुआ का, ग्रोवाल एथलीट्स क्लब का सेकंड यूनिट है और कुछ और भी यूथ है। कठुआ से हमारा एक लड़का है मानव फोत्रा जो कि इस ग्रुप को लीड करता है, उसके कोलैबोरेशन से और हमारी कोलैबोरेशन से आज ये कम से कम 60 से 70 पार्टिसिपेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो 11 किलोमीटर की जो दौड़ है ये डेडिकेट करेंगे टूवर्ड्स द टीचर्स ऑफ द नेशन, अध्यापकों के प्रति। टीचर्स डे के उपलक्ष्य पर एथलीट्स क्लब बरवाल की तरफ से छात्रों और छात्राओं के लिए क्या मैसेज रहेगा? छात्र और छात्राओं के लिए सिर्फ एक ही मैसेज रहेगा कि सबसे पहले आप अपनी सेहत को बरकरार रखें, अपनी फिटनेस को बरकरार रखें। अगर आपकी सेहत ठीक होगी तो आप सही ढंग से पढ़ पाओगे, आप समाज के लिए कुछ कर पाओगे और उन अध्यापकों के लिए भी एक मान की बात होगी जब आप समाज में अच्छे कार्य करोगे और अपने आप को उजागर करके इस समाज के प्रति डेडिकेट करोगे।